हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज से हम डेली टेस्ट सीरीज एक चलाने जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स की होगी और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको IBPS, SBI, LIC, SSC, रेलवे, NDA, CDS मतलब जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं सब में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसको सीमित समय में देना है, यानी कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर ऑप्शन, और आपको उस सवाल का जवाब 10 सेकंड में देना होगा। यानी कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अपने ऑप्शंस को टिक करते चलिए और फिर आप कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है टाइमर और क्वेश्चन के साथ पढ़ने के बाद और ऑप्शन पढ़ने के बाद ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद ये टाइमर बंद होगा और आपको 10 सेकंड के अंदर ही आप अपना आंसर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13वां G20 शिखर सम्मेलन 1 दिसंबर 2018 को कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, ब्यूनस आयर्स, पेरिस, बीजिंग। आपको कॉपी में अपने ऑप्शन को टिक कर लेना है 10 सेकंड के अंदर। ओके, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल भी है, यहां पर G20 का 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्जेंटीना में हुआ था। तो अर्जेंटीना के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। पहले, यहाँ की करेंसी है पेसो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माउरियो मैक्री। G20 में 19 देश हैं और यूरोपीय संघ, यानी कि टोटल G20 हो गया ये। इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग कॉन्सेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। AS राजीव को किस बैंक का प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको 10 सेकंड में इसका आंसर देना है। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनाया गया है AS राजीव को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। देखिए, बैंक के हेडक्वार्टर, उसके चेयरमैन, MD, CEO जो भी हैं, और उसके साथ साथ टैगलाइन भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोंडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 21वीं राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उसका खिताब किसने प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, या फिर इनमें से कोई नहीं। गोंडा जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ओके, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने विनीता को 13-2 से हराकर ये प्रतियोगिता जीती थी और ये गोंडा के नंदिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया था। उत्तर प्रदेश में ये संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं राम नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा दिसंबर 2018 को एक साथ कितने उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? ऑप्शंस हैं 55, 50, 55, 64, 70। आपको आंसर कॉपी पे अपने लिख लेना है। ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 64 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्ब्स इंडिया पत्रिका द्वारा फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची जारी की गई है, इस सूची में किस बॉलीवुड एक्टर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
ऑप्शंस हैं आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान। फोर्ब्स पत्रिका ऐसी सूची निकालती रहती है जिसमें बिजनेसमैन भी लिए जाते हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, सलमान खान। फोर्ब्स इंडिया पत्रिका द्वारा जो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सूची जारी की गई है उसमें शीर्ष स्थान बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नवंबर 2018 को किस राज्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ERSS का ये फुल फॉर्म है। ओके, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय वित्त मंत्री उस समय वर्तमान में तो पीयूष गोयल हैं और उस समय अरुण जेटली थे, उन्होंने नवंबर 2018 में ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई थी। और ये एक आपातकालीन नंबर होता है जो 112, इसमें सभी सेवाओं को शामिल कर लिया गया है और इसे केंद्र की सेवाओं से भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसको संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अरविंद सक्सेना, HC गुप्ता, AM नाइक, इनमें से कोई नहीं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC जो कि भारत सरकार की ए और बी ग्रेड की परीक्षाएं कराता है। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अरविंद सक्सेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। UPSC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई थी और हाल ही में इसका सदस्य सचिव बनाया गया है राजीव नयन चौबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुरुष की टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप 2018 का फाइनल खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। जो पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता होती है उसे डेविस कप बोला जाता है। ओके, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्रोएशिया। क्रोएशिया ने फ्रांस को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है और ये इसका 107वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान गज ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को भारी क्षति पहुंचाई है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। चक्रवाती तूफान जो भी होते हैं वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ की करेंसी है थाई बहत और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रत्युत चान ओचा। या एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गज तूफान किस देश में आया था या किस देश में इसकी शुरुआत हुई थी, तो आपका आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं पणजी, पुणे, बेंगलोर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देना है। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पणजी। 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन पणजी में किया गया है। पणजी जो कि गोवा की कैपिटल भी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, यहाँ की गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा और यहाँ की कैपिटल पणजी है, बताई जा चुकी है आपको।
तो ये आज आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 1 था। आपको कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि आपने 10 में से कितने सवालों का या क्वेश्चंस का जवाब सही दिया है। और ये पहला था, आपको डेली इसको फॉलो करना है, आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।